नागपुर की नेत्री सना खान जो इतने दिनों से लापता थी, उनकी हत्या कर उनकी लाश को नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद लाश को बरामद कर लिया गया। बीजेपी नेत्री को उनके ही पति ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। 4 महीने पहले बीजेपी नेत्री सना खान ने जबलपुर के अमित साहू से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद 2 अगस्त से सना लापता हो गई थी। सना के परिजनों ने अमित साहू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सना खान 2 अगस्त को नागपुर से अपने पति के पास जबलपुर आई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। परिजनों ने सना के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हैरानी की बात ये थी कि सना का पति अमित साहू भी तभी से लापता था। शक की बिना पर पुलिस ने अमित की तलाश की और उससे सख्ती से पूछताछ भी की, जिसके बाद अमित ने सना की हत्या करने की बात को कबूल लिया। आरोपी अमित ने पुलिस को बताया कि आपसी विवाद के चलते 4 अगस्त को उसने सना की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद सना के शव को कार में रखकर हिरण नदी में फेंक दिया। 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर अपने पति के घर जाने का कहकर निकली थी। सना ने जबलपुर पहुंचते ही अपने परिजनों को फोन पर बताया था कि अमित साहू उसके साथ मारपीट कर रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।